नमस्कार, विजिट माई इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की विजिट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ था। साबरमती आश्रम सघन वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की सादगी एवं शांति तन मन को रोमांचित और आनंदित कर देती है। आपको यहाँ सिर्फ पक्षियों का कलरव और प्रकृति का संगीत ही सुनाई देगा। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई। अब तक विश्व के अनेक देशों के प्रधानों, राजनीतिज्ञों एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आश्रम के दर्शन किए हैं। यहां विभिन्न गतिविधियों के लिए कई कुटीर बनाए गए जो इस प्रकार है। हृदय कुंज नामक कुटीर आश्रम के बीचोंबीच स्थित है। इसका नामकरण काका साहब कालेलकर ने किया था। 1919 से 1930 तक का समय गांधी जी ने यहीं बिताया था और उन्होंने यहीं से ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि है, जहां उनके बैठने का स्थान, डेस्क, चरखा आदि मौजूद है। तो नमक आंदोलन की मीटिंग यहाँ हुआ करी, देश की आज़ादी की है शुरुआत 30 में वहाँ से किया था, खुला मैदान है वहाँ। उसके बाद 21 के बाद पूना चले गए, 3 साल ही चले, तब से रोमाला का पुस्तक पत्र करके कुमारी लड़ गए। गांधी जी के बारे में है ना, तो आपको कौन सी सबसे अच्छी बात क्या लगती है गांधी जी? हाँ बताओ। गांधी जी ने ब्रिटिश को बदलने के लिए नहीं करना, बुरा मत देखो, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। इसके अलावा कस्तूरबा की रसोई इस आश्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ उनकी रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले चूल्हे, बर्तनों और अलमारी को देखा जा सकता है। विनोबा मीरा कुटीर। इसी आश्रम के एक हिस्से में विनोबा मीरा कुटीर स्थित है। यह वही जगह है जहां 1918 से 1921 के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने अपने जीवन के कुछ महीने बिताए थे। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित ब्रिटिश युवती मेडलिन स्लेड भी 1925 से 1933 तक यही रही। गांधी जी ने अपनी इस प्रिय शिष्या का नाम मीरा रखा था। इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम पर इस कुटीर का नामकरण हुआ विनोबा मीरा कुटीर।
प्रार्थना भूमि आश्रम में रहने वाले सभी सदस्य प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना भूमि में एकत्र होकर प्रार्थना किया करते थे। यह प्रार्थना भूमि गांधी जी द्वारा लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी रह चुकी है। नंदिनी अतिथि गृह आश्रम के एक मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर स्थित है गेस्ट हाउस नंदिनी। यहाँ देश के कई जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, दीनबंधु एंड्रयूज और रविंद्रनाथ टैगोर आदि जब भी अहमदाबाद आते थे तो यहीं ठहरते थे। 10 मई 1963 ईस्वी को श्री जवाहरलाल ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यंग इंडिया, नवजीवन तथा हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफों का वृहद संग्रह और भारत तथा विदेशों में भ्रमण के समय दिए गए भाषणों के 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकालय भी है जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 तथा महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस संग्रहालय में महात्मा गांधी द्वारा और उनको लिखे गए 30,000 पत्रों की अनुक्रमणिका है। इन पत्रों में कुछ तो मूल रूप में ही है और कुछ के माइक्रोफिल्म सुरक्षित रखे गए हैं। अब आप भी जब कभी अहमदाबाद घूमने जाएं तो साबरमती आश्रम की विजिट अवश्य करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।